हम श्रीमद् भगवत पुराण की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने से मानो तो मोक्ष को पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम श्रीमद् भगवत पुराण की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने से मानो तो मोक्ष को पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। राजा परीक्षित के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का विधिवत उत्तर देते हुए सुखदेव जी ने अपना कथन प्रारंभ किया। सुखदेव जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की स्तुति ही मनुष्य का चरम लक्ष्य है और मुझे श्री कृष्ण की लीलाओं ने अपनी ओर आकर्षित किया, जिस कारण मैंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया और अब मैं तुम्हारी सच्ची निष्ठा देख यह ग्रंथ तुम्हें सुनाऊंगा। सुखदेव की मधुर वाणी सुन राजा परीक्षित के मायूस चेहरे पर मुस्कान आ गई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोले ऋषि, मोह माया में सब भूल गया इंसान, खाना पीना नींद भोग में नहीं रहा कुछ ध्यान, किंतु सच्चा जीवन भगवान की ही भक्ति है, पाप हो जाते नष्ट है सारे मिलती मुक्ति है, बाकी जीवन धोखा निसा रहता है तो इंसान, क्यों मिला है मानव तन ये नहीं किसी को ज्ञान। ऋषि खटांगन अंत समय है प्रभु को अपनाया, प्रभु की भक्ति के कारण फिर मोक्ष को पाया। फिर सुखदेव राजा परीक्षित को समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने से मानो तो मोक्ष को पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, भक्तों एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाते हुए बोले कि निकट आई मृत्यु को देख मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि वैराग्य रूपी शास्त्र से सांसारिक मोह माया को काट देना चाहिए। सुखदेव जी ने बताया कि विक्षिप्तता और एकाग्रता के लिए धारणा की आवश्यकता होती है। धारणा का विषय स्वयं भगवान है और संसार उनका विराट शरीर है। जैसे रसातल पैर, वक्षतल स्वर्गलोक, कुक्षी समुद्र तथा उनकी अस्थियां पर्वत समूह मानकर प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। जय श्री हरि। बोले मुनिवर, मन की धारणा प्रभु का है स्थान, इसी धारणा से ब्रह्मा ने सृष्टि को दी जान, साधक जब प्रभु के चरणों में ध्यान लगाता है, बंद नेत्रों में वह लाखों दृश्यों को पाता है, इन्हीं दृश्यों में भगवान है किंतु रूप अनेक, धीरे धीरे बन जाती छवि नारायण की नेक। बोले मुनिवर, हे राजन तुम तनिक न घबराना, इस धरती पर सबको आकर वापस है जाना, मोह माया मन त्याग के भक्त हरि को पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
जिसको सुनने से मानो तो मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, सुखदेव जी कहते हैं जो योगी होते हैं वे वासनाओं का दमन, प्राण अपान व्यान समान आदि को नियंत्रित कर लेते हैं, परंतु प्रभु के दर्शन फिर भी दुर्लभ होते हैं। धारणा धारण करने से प्रभु के दर्शन सहज हो जाते हैं और साधक हरि के चरणों में स्थान पाता है। आगे सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि किस किस देवता की उपासना करने से क्या क्या कामना सिद्धि होती है, किंतु वास्तविक मुक्ति भगवान श्री हरि की उपासना से ही मिलती है। बोलिए जय श्री हरि। बोले मुनिवर किसी देव की ना कर जो चिंता, किंतु वो साधक नारायण से मुक्ति फल मिलता। करने से सत्संग तो साधक पाता दुर्लभ ज्ञान, साधु लाभ इंद्रादि की हो जाती है पहचान। श्री हरि की लीला के गान से हो जाता उद्धार, इस लीला का सार बता दो बोले हाथ पसार। शौनिक जी की स्तुति सुन के बोले महर्षि वर, हे विप्रो श्री नारायण की कथा करो श्रवण। ज्ञान प्राप्त कर राजा मुनि को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसको सुनने से मानो तो मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की प्रशंसा की और आभार मानते हुए कुछ जिज्ञासाएं रखी। पहली जिज्ञासा, श्री हरि किस प्रकार सृष्टि पालन और संहार करते हैं। दूसरी जिज्ञासा, हरि अपनी लीलाओं के लिए किन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तथा तीसरी जिज्ञासा, श्री हरि प्रकृति के गुणों को पुरुष रूप में विविध कर्मों का संपादन करने के लिए एक साथ धारण करते हैं। सभी जिज्ञासाएं सुनने के बाद सुखदेव जी ने भगवान विष्णु की उपासना की, गान किया। तत्पश्चात वे बोले, बोले मुनिवर हे राजन एक बात बताता हूँ, नारद जी ब्रह्मा जी का संवाद सुनाता हूँ। नारद बोले हे प्रजापति किसने रचा जहान, किस में लीन है आश्रित किस पर दे दो मुझको ज्ञान। कौन चलाए इस दुनिया को या खुद ही चलती, कहां से पाया ज्ञान आपने जो दुनिया रच दी। किसका जप तप किया आपने मुझको बतला दो, कौन है ईश्वर इस जगत का मुझको समझा दो। ब्रह्मा जी नारद जी को एक भेद बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसको सुनने से मानो तो मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, लोक कल्याण की भावना से उत्पन्न प्रश्नों पर प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने पहले तो नारद जी प्रशंसा की,
फिर बोले, हे नारद, मुझ में ईश्वरीय सत्ता विद्यमान है, किंतु मेरे ऊपर भी श्री नारायण ईश्वर रूप में स्थित हैं। उन्हीं की कृपा से सृष्टि पर प्रकाश हुआ, वेद देवगण स्वयं मैं भी तथा पृथ्वी द्रव्य कर्म काल आदि विष्णु मैं है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विष्णु द्वारा रचित सृष्टि की उत्पत्ति का बखान विस्तार से करते हुए कहा कि हरि के मुख से ब्रह्मांड, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए, तथा इसी तरह 14 भुवन, सप्तलोक, उनके निवासी आदि विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा ने विष्णु अंगों की महिमा बतलाई, विराट पुरुष के यश वैभव की बात है समझाई। विराट पुरुष के ब्रह्मा देवी देवता है जन्मे, मानव दानो भूत पिशाचौर है ये कण कण में। ये ही ब्रह्मा बन कर के सृष्टि भी रचते हैं, रुद्र रूप धरि नारायण संहार भी करते हैं। विष्णु रूप में ये दुनिया का करते हैं पालन, आप अतीत दिव्य है माया है मेरे नारायण। नारायण की महिमा का हम पार न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने से मानो तो मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, ब्रह्मा जी नारद जी से बोले कि हे नारद, नारायण की लीलाओं का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। कई वर्षों के तप पर मैं उनकी महिमा पूरी तरह जान नहीं सका हूँ। नारायण की कृपा से मुझे उनके परम तत्व का सूक्ष्म ज्ञान हो गया है। मैं जान गया हूँ कि विराट पुरुष भक्ति प्रिय हैं। इनको पाने का एक सरल तथा निश्चित उपाय है, भक्ति मार्ग। इतना बतलाने के उपरांत ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान नारायण के 24 अवतारों का संक्षिप्त वर्णन किया और कहा कि भगवान की शक्तियाँ विभिन्न अवसरों पर विभिन्न रूपों में प्रकाशित होती हैं। सृष्टि की रचना को ब्रह्मा मारिचि और बनाए, मनु और सम्राट रूप को नारायण ने पाए। सार न इस शक्ति का कोई महिमा अपरंपार, स्थिर करने आए धरात्री विक्रम ले अवतार। उनकी महिमा परम भक्त भी ना ही जान सके, ध्रुव प्रहलाद जनक रघुना बजरंगी है टिके। हरि सर्वदा एक रस ज्ञान रूप गुणवान, शोक रहित आनंद स्वरूपा विष्णु जी भगवान। सुखदेव सदा राजा को बस एक बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने से मानो तो मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, सुखदेव जी ने सूत जी तथा नारद जी का संवाद सुनने के बाद राजा परीक्षित ने अपनी कुछ जिज्ञासाएं रख समाधान की विनती की। परीक्षित ने पूछा, जीव के शरीर का प्रारंभ कैसे होता है? ईश्वर के अंदर और बाहर के भेद से ब्रह्मांड का क्या प्रमाण है? इसी प्रकार राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से अपनी 10 जिज्ञासाएं रखी। सुखदेव जी ने राजा की समस्त जिज्ञासाएं सुन वेद व्यास रचित तथा स्वयं का पढ़ा हुआ
श्रीमद्भागवत पुराण सुनाया। सुखदेव जी बोले, हे राजन ये माया का खेल, माया जाल में फंसकर प्रभु से ना होता है मेल। आत्मज्ञान विष्णु ने खुद ब्रह्मा को बतलाया, ब्रह्मा जी से यह ज्ञान नारद ने फिर पाया। नारद से यह ज्ञान फिर तो वेद व्यास पाए, जिसके बाद में लोक हित आदेश है बतलाए। यह ज्ञान भगवत पुराण में फिर उत्पन्न हुआ, देख के विष्णु जी का रोम रोम प्रसन्न हुआ। आगे हम सृष्टि की रचना की बात सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने से मानो तो मोक्ष को पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, भक्तों। सुखदेव जी बोले, एक समय ब्रह्मा आदि देव सृष्टि की रचना को तैयार हुए, तभी उन्हें तप शब्द की ध्वनि सुनाई और उन्होंने इसे ईश्वर का आदेश मान घोर तप किया, जिससे विष्णु जी प्रसन्न हुए और अपने दर्शन देने के साथ साथ दिव्य लोक के भी दर्शन करवाए और बोले, तप मेरा हृदय है और मैं तप की आत्मा हूँ और तप से मैं सृष्टि की रचना संहार करता हूँ और तप ही मेरी अमोघ शक्ति है, यही सत्य है। तभी विष्णु जी को प्रसन्न जान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना संहार तथा अन्य लीलाओं को करने का आग्रह किया। तभी ब्रह्मा जी की भक्ति को देख विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मांड की रचना से पहले और रचना के बाद, स्थूल सूक्ष्म ना ही कुछ था जो तुम्हें बताता। इस सृष्टि में जो दिखता है वो मैं ही तो हूँ, प्रलय के बाद भी जो बचता है वो भी मैं ही हूँ। राहु केतु गगन अवनी ये मेरे रूप अनेक, कण कण में है वास हमारा, रहा हूँ मैं सब देख। दिव्य ज्ञान पाकर ब्रह्मा फिर तप में लीन हुए, पाकर हरि आदेश वो जग रचना में लीन हुए। राजन को सुखदेव सदा एक बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने से मानो तो मोक्ष को पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, भक्तों प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, यह श्रीमद् भागवत पुराण विषयों वाला है, जैसे सर्ग प्रतिसर्ग स्थान पोषण मनवंतर उति मुक्ति तथा आश्रम है। भक्तों, सुखदेव जी ने पहले विषय का वर्णन करते हुए बताया कि ब्रह्मांड को फोड़कर पानीय की सृष्टि की, नर से पैदा होने के कारण जल का नाम नार पड़ा, नार और जल में विष्णु का निवास है, जिस कारण उन्हें नारायण कहा जाता है। कई वर्षों तक विष्णु योग निद्रा में लीन रहे, एक समय में अनेक होने की इच्छा वेद कहे। अपने वीर्य के फिर विष्णु ने तीन खंड किए, अधिदेव अध्यात्म और अधिभूत नाम दिए। विराट पुरुष के हिलने डुलने से अनुभूति हुई,
पुरुष के द्वारा कामेंद्रियां है तब उत्पन्न हुई। उसी समय कुछ देव थे प्रकटे लेकर के अभिमान, तभी हृदय और मन को बनाए विष्णु जी भगवान। आठ आवरण क्या थे भक्तों तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने से मानो तो मोक्ष को पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, भक्तों प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। मेरे प्रिय भक्तों, हृदय तथा मन की उत्पत्ति हुई इस प्रकार वह विराट पुरुष बाहर से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार महत्व और प्रकृति इन आठ आवरणों से ढका हुआ है। इसका एक सूक्ष्म रूप मन और वाणी से परे और अगोचर है, ये ही ब्रह्मा है, जिनसे प्रजापति मनु देवता गंधर्व अप्सरा नाग सर्प राक्षस पिशाच भूत प्रेत ऋषि आदि हैं। विविध योगियों की रचना भी हुई है। सदकर्मों से मिले योगियों और मिले सम्मान, स्वर्ग नरक की मिले योनियां और मिले भगवान। विदुर ने छोड़ दिया महलों को कथा सुनाई है, सूत जिन्हें सत्संग हुआ वो बात बताई है। श्री हरि की ये महिमा सारी वेद बताते हैं, डीएस पाल तो पावन गाथा गा के सुनाते हैं। दूजा ये स्कंध समापन तीजा आएगा, मुनेन्द्र प्रेम जी सुमिर शारदा कलम चलाएगा। प्रेम तनय ये प्रभु शरण में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने से मानो तो मोक्ष को पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं।